हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बाय शंकर जाट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 आरबीएससी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट। और एडवर्टाइजमेंट में अपन कई तरह के विज्ञापन होते हैं, उसमें से एक महत्वपूर्ण विज्ञापन है ब्राइड वांटेड या ब्राइड ग्रूम वांटेड। तो अपन इन दोनों प्रकार के विज्ञापन के बारे में आज पढ़ेंगे। तो पहला विज्ञापन है अपना ब्राइड वांटेड। ब्राइड वांटेड, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि ब्राइड वांटेड या ग्रूम वांटेड, इससे संबंध में एक विज्ञापन प्रिपेयर कीजिए। तो अपने को किस प्रकार उस विज्ञापन की रचना करनी है, विज्ञापन लिखना है, ठीक है। अगर ब्राइड वांटेड के संबंध में आपको कोई विज्ञापन पूछा जाए तो सबसे पहले अपन उसका फॉर्मेट लिख देते हैं कि अपने को किस प्रकार ब्राइड वांटेड का विज्ञापन बनाना है, उसका प्रारूप क्या होगा। सबसे ऊपर ऊपर बीच में कैपिटल लेटर में अपन लिख देते हैं ब्राइड वांटेड। ब्राइड वांटेड लिख देते हैं, ब्राइड यानी दुल्हन, वधु आदि। तो ऊपर ही ऊपर बीच में कैपिटल लेटर में लिख देते हैं ब्राइड वांटेड। और फिर अपन को सबसे पहले लिखना है डिटेल्स ऑफ द ब्राइड रूम। डिटेल्स ऑफ द ब्राइड रूम यानी आपको दुल्हन चाहिए, लेकिन उसके पहले ब्राइड रूम, आपका दूल्हा कैसा है, उसकी जानकारी आपको यहाँ देनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें आप क्या क्या जानकारी दे सकते हैं, इसमें कास्ट है, एज है, उसकी हाइट है, उसकी एजुकेशन है आदि जानकारी इसमें आप दे सकते हैं, उसका फैमिली स्टेटस है या उसकी इनकम की जानकारी भी आप दे सकते हैं। तो ब्राइड वांटेड का विज्ञापन लिखने के लिए सबसे पहले अपन को ग्रूम की जो डिटेल्स है वो प्रोवाइड करानी पड़ेगी, जिसमें उसकी कास्ट, ब्राइड ग्रूम की क्या कास्ट है, उसकी एज क्या है, उसकी हाइट क्या है और उसकी एजुकेशन क्या है, फैमिली स्टेटस उसका कैसा है और उसकी इनकम क्या है। ये चीज़ें प्रमुख रूप से अपन उसमें लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर अपन को लिखना है डिज़ायर्ड ब्राइड, यानी आपको दुल्हन कैसी चाहिए। इसके बारे में भी आपको दो तीन बिंदु लिखने कि ऊपर जो ब्राइड रूम दिया गया है उसके लिए आपकी दुल्हन कैसी चाहिए या आपकी डिज़ायर्ड ब्राइड कैसी होनी चाहिए। इस संबंध में भी अपन कुछ बातें लिखते हैं। तो इसमें एक लिखते हैं ब्यूटी, सुंदर हो, उसकी एज, एज के बारे में भी लिख सकते हैं अपन चाहे तो, उसके एजुकेशन के बारे में भी लिख सकते हैं, उसकी सर्विस के बारे में भी लिख सकते हैं, होमली, गृह कार्य में दक्ष, ऐसे भी लिख सकते हैं, या कहीं वर्किंग कर रही है तो उसके वर्किंग आदि क्वालिटीज़ अपन उसमें लिख सकते हैं कि हमको कैसी ब्राइड चाहिए। अगर ब्राइड की ब्यूटी, एज, एजुकेशन, उसकी सर्विस, गृह कार्य में दक्ष या वर्किंग, किस प्रकार की आपको ब्राइड चाहिए, ये डिटेल्स इसमें दी जाती है। और तीसरी चीज़ जी मुख्य है वो है टाइप ऑफ मैरिज, यानी आप किस प्रकार का विवाह करना चाहते हैं, ये जानकारी इस बिंदु में दी जाती है। तो इसमें आपको दो तीन तरह की बातें लिखनी है। एक तो लिखनी है अरेंज मैरिज या सिंपल मैरिज या अर्ली मैरिज। इसमें से किस तरह की मैरिज आप करना चाहते हैं, अरेंज मैरिज करना चाहते हैं तो आप जल्दी करना चाहते हैं तो अर्ली मैरिज लिख देंगे, सिंपल मैरिज करना चाहते हैं तो आप सिंपल मैरिज लिख देंगे, या अर्ली, बहुत अर्ली करना है आपको तो ये लिख देंगे, अरेंज मैरिज करना है तो अरेंज मैरिज लिख देंगे। और इसके बाद लास्ट जो बिंदु अपने लिखा जाता है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में कि वो जो डिज़ायर्ड ब्राइड है वो कहाँ कॉन्टैक्ट करे, तो इसमें तीन चार चीज़ें होती है। एक होता है एड्रेस, एक होता है मोबाइल नंबर, एक होता है ईमेल या फिर पोस्ट बॉक्स नंबर। एड्रेस में अपने को तीन चार चीज़ें लिखनी होती है। इसमें एक तो एड्रेस, एक अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पोस्ट बॉक्स नंबर। तो इसमें से कोई भी दो चीज़ जनरली अपन लिख देते हैं ताकि अपने पास व्यवस्थित उसकी सूचना पहुंच जाए। तो इस तरह से ये एक फॉर्मेट हुआ कि ब्राइड वांटेड का जो एडवर्टाइजमेंट है उसको कैसे अपन प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर ऊपर बीच में कैपिटल लेटर में लिख देते हैं ब्राइड वांटेड,
फिर उसमें नंबर एक पे डिटेल्स ऑफ द ब्राइड रूम, आपके जो ब्राइड रूम है उसकी डिटेल क्या है वो लिखी जाती है, उसमें उसकी कास्ट है, एज है, हाइट है, एजुकेशन है, फैमिली स्टेटस है या इनकम है, ये चीज़ें उसमें लिखते हैं। फिर दूसरे नंबर पे डिजायर्ड ब्राइड, आपकी ब्राइड कैसी होनी चाहिए ये जानकारी यहाँ दी जाती है, ब्यूटी, एज, एजुकेशन, सर्विस, होमली या वर्किंग, इस प्रकार की जानकारी यहाँ दी जाती है। और तीसरे नंबर पे टाइप ऑफ मैरिज, जिसमें अरेंज मैरिज है या सिंपल मैरिज या अर्ली मैरिज, इनमें से आप किस प्रकार की मैरिज चाहते हैं ये जानकारी यहाँ दी जाती है। और लास्ट चौथा कॉन्टैक्ट, जिसमें आपको एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है या कभी कभी पोस्ट बॉक्स नंबर भी अपन लिखते हैं। तो इस प्रकार एक ब्राइड वांटेड का विज्ञापन अपने सामने तैयार हो जाता है। अब आपको एक एग्जांपल लेके बताएंगे कि किस प्रकार ब्राइड वांटेड का विज्ञापन लिखा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं कि मिस्टर रमेश शर्मा इस, एक क्वेश्चन लेंगे तो अपने को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है कि मिस्टर रमेश शर्मा इज लुकिंग फॉर ए ब्राइड, मिस्टर रमेश शर्मा इज लुकिंग फॉर ए ब्राइड फॉर हिज सन। राइट एन एडवर्टाइजमेंट advertisement to be published in the matrimonials columns of a newspaper। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिस्टर रमेश शर्मा इज लुकिंग फॉर ए ब्राइड फॉर हिज सन, कि श्री रमेश शर्मा को अपने बेटे के लिए एक दुल्हन की तलाश है। राइट एन एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन लिखिए टू बी पब्लिश्ड, जिसको छापा जा सकते इन द मैट्रिमोनियल्स। मैट्रिमोनियल्स यानी जिस कॉलम में ये विज्ञापन छपते हैं उसको कहते हैं वैवाहिकी या मैट्रिमोनियल्स, कॉलम में ऑफ ए न्यूज़पेपर। तो एक न्यूज़पेपर के वैवाहिकी कॉलम में छापा जाने वाला एक विज्ञापन की आप रचना कीजिए। जैसा कि आपको बता चुके हैं, सबसे पहले आप बिल्कुल इसी तरह से ब्लॉक बना लीजिए और ब्लॉक के बीचों बीच अपन लिख देंगे ब्राइड वांटेड, कैपिटल लेटर में लिख देंगे ब्राइड वांटेड, क्योंकि अपने को यहाँ दुल्हन चाहिए तो अपन ने लिख दिया ब्राइड वांटेड। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो रहा है ब्राइड वांटेड। और जैसा कि अपन ने फॉर्मेट में सीखा था कि सबसे पहले अपन को डिटेल्स ऑफ द ग्रूम, ब्राइड ग्रूम, ब्राइड ग्रूम की डिटेल देनी है, तो अपन लिख देंगे कि वांटेड ब्राइड फॉर, ब्राइड चाहिए, इसकी शुरुआत ही अपन ऐसे ही करेंगे, वांटेड ब्राइड फॉर। अब इसमें आपकी वांटेड ब्राइड फॉर लिख के आप अपने पूरे दूल्हे की जो भी डिटेल है या वर की जो भी डिटेल है दे दें आप। वांटेड ब्राइड फॉर ए शर्मा बॉय, उसकी ब्यूटी के बारे में जानकारी दे दी, स्मार्ट शर्मा बॉय, स्मार्ट है वो, ठीक है, और जानकारी आप दे सकते हैं, स्मार्ट एंड हैंडसम, सुंदर है। और जनरली आयु और हाइट को लिखने का ये तरीका है 5 फीट 6 इंच, 24 साल का है, 5 फीट 6 इंच है, इस तरह से अपन लिख सकते हैं, या सेंटीमीटर में भी लंबाई अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। संडे का आप अखबार देखेंगे तो उसमें इस संबंध में आपको और विज्ञापन प्रैक्टिकल रूप से आपको मिल जाएंगे। तो 5 फीट 6 इंच, उसकी एजुकेशन के बारे में भी मान लो उसने एमकॉम बीएड कर रखा है तो आप लिख सकते हैं एमकॉम बीएड, या कोई प्रोफेशनल डिग्री है तो वो भी अपन यहाँ बता सकते हैं, ठीक है। मान लो कोई जॉब कर रहा है वो, तो यहाँ लिख देंगे परमानेंट जॉब, ठीक है। मान लो उसको सैलरी भी मिल रही है तो अपन लिख देंगे सैलरी 50,000 रुपीज़ पर मंथ। तो इस प्रकार से अपन अपना जो ब्राइड रूम है उसकी पूरी डिटेल अपन ने यहाँ दे दी है कि वांटेड ब्राइड दुल्हन चाहिए फॉर ए शर्मा हो, एक शर्मा लड़के के लिए, स्मार्ट एंड हैंडसम, दिखने में अच्छा है, 24/5 फीट 6 इंच यानी 24 साल का, 5 फीट 6 इंच उसकी हाइट है, एमकॉम बीएड उसका क्वालिफिकेशन है, और परमानेंट जॉब यानी वो नौकरी कर रहा है, और सैलरी 15,000 रुपीज़ पर मंथ, और उसकी 15,000 रुपये पर मंथ उसकी सैलरी है, ठीक है। अब इसको दूसरे नंबर पे अपन लिखा था कि डिजायर्ड ब्राइड कैसी होनी चाहिए, तो ठीक है, तो इसमें अपन ब्राइड की डिटेल लिख देंगे कि लुकिंग फॉर ए
लुकिंग फॉर ए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल होमली गर्ल, ग्रहकारी में दक्ष, होमली गर्ल फ्रॉम स्टेटस फैमिली, संभ्रांत परिवार, स्टेटस फैमिली को अपन कह सकते हैं संभ्रांत परिवार। तो ये दुल्हन की डिजायर्ड, दुल्हन जो है डिजायर्ड जो ब्राइड है वो कैसी होनी चाहिए, तो लुकिंग फॉर ए ब्यूटीफुल, सुंदर होनी चाहिए, होमली गर्ल, गृह कार्य में दक्ष होनी चाहिए, फ्रॉम स्टेटस फैमिली, और एक संभ्रांत परिवार की, अच्छे परिवार की होनी चाहिए। ठीक है, अब आप तीसरे नंबर पे लिखा अपने कि मैरिज आपको कैसे करनी है, अर्ली करनी है कि अरेंज करनी है, तो अपन लिख देंगे अर्ली अरेंज्ड मैरिड, अर्ली शीघ्र ही अरेंज मैरिज, शीघ्र ही आपको अरेंज मैरिज उसकी करनी है, व्यवस्थित रीति रिवाज से उसका विवाह करना है। ठीक है, फिर आपको तीसरे नंबर, ये मैरिज के बारे में हो गया। फिर चौथे नंबर पे आपको दिया है कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट में आपको बिल्कुल बताया है कि आप मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं, एड्रेस भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो अपने को एड्रेस लिखना है तो अपन कोई भी लिख देंगे, जैसे मान लो यहाँ अपना नाम दिया गया रमेश शर्मा, तो अपन ने लिख दिया रमेश शर्मा। एड्रेस मान लो गणपति चौक है, तो अपन ने लिख दिया गणपति चौक। जयपुर का एड्रेस है, तो अपन ने लिख दिया जयपुर। तो इस प्रकार से आप एड्रेस भी लिख सकते हैं, गणपति चौक जयपुर, तो रमेश शर्मा गणपति चौक जयपुर, ये एड्रेस हो सकता है। मान लो वो मोबाइल नंबर पूछे तो अपन परीक्षा की दृष्टि से यहाँ मोबाइल नंबर की बजाय 10-0 भी लगा सकते हैं। मान लो वो ईमेल आईडी अपन लिखना चाहें, सब लिखना जरूरी नहीं, लेकिन आप लिखना चाहें तो आपने ऐसे लिख सकते हो रमेश 2439@gmail.com, ये भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार अपन एड्रेस लिख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अपन अपनी पूरी जानकारी देना नहीं चाहें, एड्रेस मोबाइल नंबर ये नहीं देना चाहें, तो और उसमें अपन अखबार के माध्यम से अगर उसकी जो अपनी डिजायर्ड ब्राइड है उसका बायोडाटा मंगाना चाह रहे हैं, तो इन सब की बजाय अपन यानी कॉन्टैक्ट में, अपन कॉन्टैक्ट में पोस्ट बॉक्स नंबर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? पोस्ट बॉक्स नंबर। जैसे मान लो पोस्ट बॉक्स नंबर 145 है, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है रमेश शर्मा गणपति चौक जयपुर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप कॉन्टैक्ट में डायरेक्टली लिख देंगे पोस्ट बॉक्स नंबर 145। तो इस प्रकार आपका बायोडाटा आपके पास पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार एक ब्राइड वांटेड के विज्ञापन की आप रचना कर सकते हैं। इसी से मिलता जुलता दूसरा विज्ञापन है अपना ग्रूम वांटेड, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है। ग्रूम वांटेड का विज्ञापन कैसे लिखें, तो बिल्कुल अपन ने ऊपर सीखा है उसी से मिलता जुलता है। ग्रूम वांटेड का विज्ञापन कैसे लिखा जाएगा वो भी मैं बता रहा हूँ कि ऊपर लिखा उसी तरह से। उसमें अपन ने पहले ब्राइड रूम की डिटेल दी थी, तो यहाँ ब्राइड की डिटेल आ जाएगी, बाकी सब चीज़ें लगभग उसी तरीके से चलती रहेगी। तो सबसे पहले लिख देंगे कि ब्राइड ग्रूम वांटेड, VRID ये जो विज्ञापन है इसको कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले आपको ब्लॉक में लिखना है ब्राइड ग्रूम वांटेड, बिल्कुल बीच में आपको कैपिटल लेटर में लिखना है ब्राइड ग्रूम वांटेड। ठीक है, और उसी तरीके से अपन चलेंगे। वहाँ ब्राइड वांटेड का था तो सबसे पहले अपन डिटेल्स ऑफ ब्राइड रूम दी थी, तो यहाँ भी यही हो जाएगा कि डिटेल्स ऑफ ब्राइड, ब्राइड रूम वांटेड चाहिए आपको, दूल्हा चाहिए, वर चाहिए, और आपको सबसे पहले डिटेल देनी है वधू की। और वहाँ भी यही था कि आपको वधू चाहिए थी और सबसे पहले डिटेल दी थी आपने वर की। तो इस तरह से आपको लिखना है कि सबसे पहले डिटेल्स ऑफ ब्राइड, जिसमें उसकी कास्ट, एज, हाइट, ब्यूटी, वर्किंग, फैमिली स्टेटस, इस प्रकार की जानकारी अपन उसमें दे सकते हैं। एजुकेशन की जानकारी भी अपन उसमें दे सकते हैं। तो आपको जिस दुल्हन के लिए ब्राइड चाहिए, सॉरी जिस दुल्हन के लिए ब्राइड रूम चाहिए, उस ब्राइड की पूरी डिटेल्ड जानकारी आपको यहाँ देनी है। फिर नंबर दो पे आपको दूल्हा कैसा चाहिए, तो यहाँ लिख देंगे आप डिजायर्ड ब्राइड रूम, आपका डिजायर्ड ब्राइड रूम, यानी आप जो दूल्हा चाहते हैं वो किस प्रकार का होना चाहिए, उस
दूल्हे की जो डिटेल्स है वो यहाँ आपको देनी है। जैसे मान लो को स्मार्ट चाहिए तो आप लिख देंगे स्मार्ट, उसकी एज, एज के बारे में भी आप जानकारी दे सकते हैं, उसकी इनकम, इनकम के बारे में भी आप जानकारी दे सकते हैं, फैमिली स्टेटस, फैमिली स्टेटस के बारे में भी आप जानकारी दे सकते हैं, और इसके अलावा आप उसकी कास्ट, कास्ट के बारे में भी जानकारी दे सकते हैं। कभी कभी ऐसे भी अखबार में दे देता है वो कि कास्ट 9 बार, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से अपन डिज़ायर्ड जो ब्राइडरूम है उसकी जो भी डिटेल है वो अपन को यहाँ लिखनी है। और तीसरे नंबर पे वही वापस टाइप ऑफ मैरिज, तो इसमें जनरली अपन यही लिखते हैं अरेंज मैरिज, अर्ली अरेंज मैरिज, सिंपल अरेंज या अर्ली, तो इसमें से किसी भी एक प्रकार की मैरिज के बारे में उसमें अपन बता देते हैं। अगर सिंपल मैरिज है तो अपन लिख देंगे सिंपल मैरिज, नो डोरी, दहेज नहीं देना है तो नो डोरी, इस प्रकार से अपन लिख देंगे। या अरेंज मैरिज है तो अर्ली अरेंज्ड मैरिज या अर्ली मैरिज, ये भी लिख सकते हैं। और लास्ट अपना चौथा बिंदु है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में आपको वही उसी तरह से एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या आप पोस्ट बॉक्स नंबर, इसमें से कोई भी जानकारी आप यहाँ दे सकते हैं। अगर आप तीनों चीज़ें ऊपर की नहीं लिखते तो आप केवल पोस्ट बॉक्स नंबर लिखेंगे तो भी अपना काम हो जाएगा। तो इस प्रकार आप एक ब्राइडरूम वांटेड का विज्ञापन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको एक एग्जांपल लेके आपको समझा दें ताकि आपके आसानी से इस प्रकार का विज्ञापन आप तैयार कर सको। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन लिख देते हैं पहले कि किस प्रकार अपन ब्राइडरूम वांटेड के विज्ञापन की रचना करेंगे। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको लगभग डिटेल दी गई होती है, मान लो डिटेल नहीं दी गई है तो आपको अपनी तरफ से लिखनी है। जैसे ये क्वेश्चन है कि यू आर लुकिंग फॉर ए ब्राइडरूम फॉर योर यंगर सिस्टर। क्वेश्चन है आपका यू आर लुकिंग फॉर ए ब्राइडरूम फॉर योर यंगर सिस्टर, यानी आप आपको अपने छोटी बहन के लिए वर की तलाश है। राइट एन एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन की रचना कीजिए टू बी पब्लिश्ड इन मैट्रिमोनियल्स कॉलम्स ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर। राइट एन एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन लिखिए टू बी पब्लिश्ड, छापने के लिए मैट्रिमोनियल्स कॉलम, वैवाहिकी कॉलम में ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर, एक स्थानीय समाचार पत्र के वैवाहिकी कॉलम में छापने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट की रचना करनी है। जैसा कि अपन पहले ही सीख चुके हैं कि सबसे पहले आपको एक कॉलम बनाना है और बीच में आपको जो भी विज्ञापन है उस विज्ञापन के बारे में कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे मान लो यहाँ अपने को विज्ञापन की जो रचना करनी है ब्राइड ग्रूम वांटेड के बारे में करनी है, रूम, तो अपन लिख देंगे बी ब्राइड ग्रूम वांटेड। ब्राइड ग्रूम वांटेड, ठीक है। इसमें सबसे पहले अपन जैसा कि फॉर्मेट में पढ़े हैं कि आपको डिटेल्स ऑफ ब्राइड रूम के, पहले अगर आपको ब्राइड रूम चाहिए तो आपको डिटेल्स ऑफ ब्राइड देनी पड़ेगी। ठीक है, इसकी शुरुआत अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि वांटेड सुटेबल मैच, ये कॉमन वर्ड भी अपन काम ले सकते हैं। वांटेड ब्राइड ऐसे भी दे सकते हैं, वांटेड ब्राइड रूम ऐसे भी लिख सकते हैं, वांटेड सुटेबल मैच ये भी अपन लिख सकते हैं। तो जैसे मान लो अपन ने लिख दिया वांटेड सुटेबल मैच फॉर, अब आपकी डिटेल्स ऑफ ब्राइड, आपकी दुल्हन की क्या डिटेल्स है वो यहाँ आ जाएगी। तो फॉर ए ब्यूटीफुल डिटेल्स ऑफ ब्राइड आ रही है, ब्यूटीफुल राजपूत घर, वांटेड सुटेबल मैच, समुचित जोड़ा चाहिए। फॉर ए ब्यूटीफुल राजपूत घर, एक सुंदर राजपूत लड़की के लिए, अगर मान लो उसकी आपको एज मालूम है तो आप लिख देंगे 23, यहाँ अपन ने मान लो 180 लिख दिया तो 180 सेंटीमीटर उसकी हाइट हो जाएगी। मान लो वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो अपन लिख देंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉई, अगर टीचर है तो अपन लिख देंगे गवर्नमेंट टीचर। मान लो उसके फादर बैंक मैनेजर है तो अपन ये भी यहाँ लिख देंगे फादर बैंक मैनेजर,
फादर के बारे में भी अपन लिख सकते हैं। तो ब्राइड के बारे में पूरी जानकारी, वांटेड सुटेबल मैच फॉर ए ब्यूटीफुल राजपूत गर्ल, 23/180 एज, और उसकी हाइट हो जाएगी। फिर वो मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉई, तो अपने लिख दिया गवर्नमेंट एम्प्लॉई। उसके फादर बैंक मैनेजर है, तो अपन ने लिख दिया फादर बैंक मैनेजर। इसके अलावा भी अपन लिख सकते हैं कि वो उसकी डिग्री क्या है, वो भी चाहें तो अपन इसके साथ लिख सकते हैं। तो जैसे एम कॉम बी एड, ये ऊपर लिखनी थी पर ये भी लिख सकते हैं, एम कॉम बी एड, ठीक है। और मान लो गृह कार्य में दक्ष है, तो एक्सपर्ट इन होमली वर्क, गृह कार्य में दक्ष, ये भी यहाँ लिखना चाहिए। और फिर अपन लिख देंगे वांटेड ब्राइडरूम। अब आपको दूल्हे की डिटेल देनी है कि आपका दूल्हा कैसा होना चाहिए, वांटेड ब्राइडरूम, आपको कैसा ब्राइडरूम चाहिए। तो लिख देंगे अपन हैंडसम एंड स्मार्ट, तो अपन लिख देंगे हैंडसम एंड स्मार्ट। गवर्नमेंट टीचर चाहिए, तो अपन लिख देंगे गवर्नमेंट टीचर, हैंडसम एंड स्मार्ट गवर्नमेंट टीचर। और मान लो उसकी सेले अर्ली मैरिज या जो भी सिंपल मैरिज, अरेंज मैरिज कैसे भी, तो अपन लिख देंगे अर्ली अरेंज्ड मैरिज। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं गवर्नमेंट टीचर। और इसके बाद ये फैमिली स्टेटस भी आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि वांटेड हैंडसम एंड स्मार्ट गवर्नमेंट टीचर फ्रॉम स्टेटस फैमिली, संभ्रांत परिवार का चाहिए, ठीक। फिर शादी के लिए आप बता रहे हैं तो आप लिख देंगे अर्ली अरेंज मैरिज, शीघ्र आपको विवाह करना है तो आप लिख देंगे अर्ली अरेंज मैरिज। तो इस प्रकार शादी की टाइप ऑफ मैरिज के बारे में भी आप लिख सकते हैं। और सबसे लास्ट में अपन को लिखना ही है कॉन्टैक्ट। अब मान लो आप यहाँ दिया है राजपूत गर्ल, तो इसके लिए आप अपने बहन के लिए ढूंढ रहे हैं, फॉर योर यंगर सिस्टर, छोटी बहन के लिए, तो आप अपना आईडी दे सकते हैं। तो जैसे मान लो आर एस कोई भी आप उसकी आईडी लिख सकते हैं, आर एस राठौड 45 शिव विहार उदयपुर। और आप चाहें तो इसके साथ मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं, तो आप लिख दें मोबाइल नंबर, इस तरह से मोबाइल नंबर भी आप लिख सकते हैं। ईमेल आईडी अगर आप देना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं ईमेल। और यहाँ लिख दिया आपने RS, इस तरह से आप मेल आईडी भी इसमें दे सकते हैं। और इस प्रकार आपका विज्ञापन तैयार है छापने के लिए। अगर आप यहाँ नीचे जो भी चीज़ें दी गई है, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, तो इसकी जगह आप पोस्ट बॉक्स नंबर भी लिख सकते हैं। इस प्रकार आप ब्राइडरूम वांटेड का विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। तो आज अपन ने दो तरह के विज्ञापन पढ़े हैं, ब्राइड वांटेड और ब्राइडरूम वांटेड। दोनों तरह के विज्ञापन बहुत महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा में दोनों से संबंधित प्रश्न लगभग पूछा जाता है। तो आप इनका अभ्यास करें और बाद में जब अपन परीक्षा की तैयारी करेंगे तो और इससे संबंधित और प्रश्न को अपन हल करेंगे। पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।